अच्छा जी लेक्चर वन जीरो सिक्स कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस और जो डॉक्यूमेंट का नाम है दैट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे ख्याल में अब तक जितना हमने ऑडिट पढ़ा है तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया हो, होगा हो, कि ये डॉक्यूमेंट कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑडिट प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और तकरीबन हर एरिया में आप मिनट्स ऑफ मीटिंग यूज कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर बोनस है तो बोनस के ऑथोराइजेशन चेक करने के लिए आप मिनट्स देख सकते हैं जहां पर मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है हम यूज कर रहे होते हैं चैप्टर नंबर एटीन हमने कल स्टार्ट किया था इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग आई टी और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बेसिकली तीन मेन पार्ट्स हैं इंटरनल कंट्रोल्स और फिर इंटरनल कंट्रोल्स तो ओवरऑल है या आई टी का बेसिक जहां पर आई टी सिस्टम यूज हो रहे हो तो वहां पर ऑडिट किस तरीके से होगा या ऑडिटिंग अप्रोच किस तरीके से इम्पैक्ट होगी तो अभी हम पहले पार्ट पर हैं हम इंटरनल कंट्रोल्स को जनरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं और मैंने इसको कनेक्ट किया आपके चैप्टर नंबर टू से आयजा थ्री फाइव में जब तो हमने बात की थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी की तो उसमें हमने बेसिकली बात की के, आपके पास बेसिकली जो छह चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है जिसमें एक चीज है इंटरनल कंट्रोल्स और इधर हम लोग कवर करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स एग्जैक्टली क्या है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और फिर

देखी थी कि ये जो कंट्रोल एनवायरमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट uh, है इंटरनल कंट्रोल्स का, का का क्योंकि ये टोन एट द टॉप है, मतलब बोर्ड मैनेजमेंट का, का, क्या रवैया है कंट्रोल्स की तरफ उनको कितनी अवेयरनेस है कंट्रोल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में और वो क्या स्टेप्स लेते हैं टू एंश्योर के एक साउंड सिस्टम ऑफ कंट्रोल इन प्लेस हो कंपनी में ये बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट की सिग्निफिकेंसी और हमने कहा कि ये कंपोनेंट क्यों बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर ये कंपोनेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा अगर ये कंपोनेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ये जो बाकी रिमेनिंग चार एलिमेंट्स हैं इनसे भी फिर कुछ अच्छाई की कुछ खास अच्छाई की उम्मीद रखना बेकार है मतलब इनसे भी कुछ खास बेहतरी की कुछ खास अच्छाई की उम्मीद

जब हमने ट्रांजैक्शन साइकल्स भी पढ़ी थी तो मैं हमेशा कहता था कि कंट्रोल हमेशा किसी ना किसी रिस्क को एड्रेस कर रहा होता है तो अब अगर एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम आपको चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी रॉबस्ट हो मतलब कंपनी में कोई फॉर्मल प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हो कोई फॉर्मल प्रोसेस इन प्लेस हो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के हवाले से रिस्क को असेस करने के हवाले से और फिर उनके अगेंस्ट उनको एड्रेस करने के हवाले से मतलब कंट्रोल्स और एक्शंस डिटरमिन करने के हवाले से जैसा मैंने एग्जाम्पल दी थी कि मैं जिस कंपनी में काम करता था तो हम लोग एनुअली एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्म भरते थे जो पूरी कंपनी में सर्कुलेट होता था हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने डिपार्टमेंट के हवाले से रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करता था कि जी हमारे डिपार्टमेंट में ये रिस्क हैं और इसके वजह से कंपनी में प्रोबेबिलिटी या लाइटलीहुड चांसेस कितनी है इस रिस्क के मटीरियलाइज होने के और साथ ही साथ फिर हम आइडेंटिफाई करते थे कि इस रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स है, है जो कि कंपनी ने लिए तो जब इस तरह का एक फॉर्मल प्रोसेस एग्जिस्ट करता है ना तो ऑटोमेटिकली फिर चीजें एक सही डायरेक्शन में जाती हैं सोलूशन टू दैट प्रॉब्लम हेल्प करता है आपको प्रॉब्लम या इश्यूज या रिस्क आइडेंटिफाई करने के हवाले से उनको रैंक करने के हवाले से uh, जी अब्दुल्ला क्लियर हुए हाँ जी सर जी मिस साइमा आपका कोई क्वेश्चन था जी सर ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो सी वाला पॉइंट है जी मैं वापस जाता हूँ कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो सी वाला पॉइंट है सी पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी देखें टीसीडब्ल्यूजी इज इक्वल टू डायरेक्टर्स और आपको पता है कि डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया किस काम के लिए कि डायरेक्टर्स एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स अब अगर वो कंपनी के अफेयर्स में कंपनी के मामला में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे कंपनी के मामला को टाइम ही नहीं दे रहे मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए मैनेजमेंट को कंस्ट्रक्टिवली चैलेंज नहीं कर रहे तो क्या कंट्रोल एनवायरमेंट मुनासिब होगा ये बेसिकली ये पॉइंट है उनका उनका ही ही नहीं नहीं है है ऐसी जो हैं हैं का और वो Glaxo, Smith company के board पे आके बैठ गए तो वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसको उस बिजनेस के रिस्क का उस बिजनेस की एनवायरमेंट का इंडस्ट्री के एनवायरमेंट का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया नहीं है नहीं समझ आई आगे से और कोई क्वेश्चन ठीक है जी आगे फिर चलते हैं अच्छा अब हम देखते हैं अपना थर्ड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट सर क्या था इंफॉर्मेशन सिस्टम जी इसीलिए डायरेक्टर के रिमूवल की प्रोविजंस भी एग्जिस्ट करती हैं अगर डायरेक्टर्स प्रमोट नहीं कर रहे इंटरेस्ट अच्छा जो थर्ड कंपोनेंट या थर्ड एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल्स का दैट इज आईएस आई एस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन अच्छा बात बड़ी इस तरह साइंटिफिक सी लगती है अच्छा ये जो वर्ड है एक एक वर्ड को जरा पहले समझ लेते हैं और फिर इसका लिंक बना लेंगे तो पता लगेगा कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये जिन लोगों ने एम एफ ए पढ़ ली है उन्होंने भी ये आई टी जो आईसी टी वाला चैप्टर है आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में उसमें ये वर्ड सीखा होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आप फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज कर रही हैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं जो लोग इन्वॉल्व हैं इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं जो डाटा इनवॉल्व है जब कंट्रोल्स की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है मतलब क्या फिजिकल और हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है कौन से लोग इन्वॉल्व हैं प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व है और डाटा कौन सा इन्वॉल्व है जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर मिसाल यूज करूंगा आपके सेल्स सिस्टम की जब हमने बात की आपके सेल्स सिस्टम की तो सेल्स सिस्टम अगर ऑटोमेटिक सेल्स सिस्टम है फॉर इंस्टेंस तो ऑटोमेटिक सेल्स सिस्टम में आपके पास कुछ फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैपटॉप उससे रिलेटेड एसेसरीज रखी हुई है फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑनलाइन सेल्स सिस्टम को कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम से लिंक कर रहे हैं फिर कुछ लोग हैं 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 जो उस सिस्टम को ऑपरेट कुछ स्टेप्स वो फॉलो कर रहे फॉर एग्जांपल सेल्स ऑर्डर जब रिसीव हुआ तो इन्वेंट्री चेक हुई सेल्स ऑर्डर जब रिसीव हुआ तो कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को चेक किया फॉर इंस्टेंस नया कस्टमर है वो सारे प्रोसीजर्स हैं और कुछ इधर डेटा इन्वॉल्व है फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आपने इन्वेंट्री चेक की तो इन्वेंट्री का डाटा चेक किया कस्टमर की क्रेडिट लिमिट असाइन करते हुए या ये वो ओवर ड्यू तो नहीं कर रहा कस्टमर के ये जो ऑर्डर है बैलेंस को तो उधर आपने सेल्स का डाटा और जो कस्टमर के बैलेंसेस का डाटा है वो चेक किया तो ये पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस जैसे सेल्स ऑर्डरिंग का प्रोसेस है सेल्स सिस्टम के अंदर कितने सारे प्रोसेस हमने पड़े थे सेल्स ऑर्डरिंग का प्रोसेस है उस सेल्स ऑर्डरिंग के प्रोसेस के अंदर कितने सब प्रोसेस इन्वॉल्व है कि नया कस्टमर है तो क्या करना है ओल्ड कस्टमर है तो क्या करना है फिर उस इनवॉइसिंग इनवॉइसिंग डिस्पैच डिस्पैच सॉरी फिर 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 उसकी रिकॉर्डिंग रिकवरी फ्रॉम कस्टमर्स और फिर उन प्रोसेसेस की जो रेलेवेंस है टू एफ आर एफ आर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्योंकि अल्टीमेटली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होनी है और फिर उनकी कम्युनिकेशन उनकी कम्युनिकेशन विद इन द कंपनी आउटसाइड द कंपनी जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स का नंबर वर्कआउट किया या सेल्स की डेली रिपोर्ट है वो सीईओ व्यू कर रहे हैं उसको देख रहे हैं तो उसकी जो डाटा की जो नंबर की कम्युनिकेशन है टू द कंसर्न स्टेक होल्डर्स यहां पर आप बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है कि उसकी सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है एग्जाम्पल सेल्स एक सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती है for most businesses. For example, अगर मैं आपको उनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बड़ी मेजर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके रीजन क्योंकि वहां पर आपके पास बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही होती है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब जब आपने ये ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बाद आपने देखना होता है एज बिजनेस के हमने यहाँ पर क्या आई और मैनुअल प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करती हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के हवाले से ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करने, करने के हवाले से प्रोसेस करने के हवाले से करेक्ट करने के हवाले से मतलब ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग जैसे हम नहीं बात करते थे कि एक सेल जो अल्टीमेटली रिकॉर्ड होती है आपके सिस्टम में रिकॉर्डिंग टू एंड पॉइंट है उससे पहले एक सेल्स ऑर्डर के थ्रू ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसका जो प्रीपेड रेवेन्यू है उसका जो प्रीपेड रेवेन्यू है उसकी इनिशिएशन कहां से होती है जब एक कस्टमर आप मोबाइल फोन से एक नंबर डायल करते हैं तो वहां से जब दूसरे बंदे ने कॉल पिक कर ली जिसको आपने कॉल मिलाई थी वहां से वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुई फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है मतलब सिस्टम के अंदर उस पर एक टैरिफ जिस जो आपने पैकेज सब्सक्राइब किया हुआ है वो वाला टैरिफ अप्लाई करता है एक सिस्टम है जो कि आपका जो टाइम है जो मिनट्स हैं कॉल के वो रिकॉर्ड करे कि कितने टाइम बात हुई फिर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है लेजर के अंदर जाकर अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो है सर ये सारी चीजें आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होंगी फिर जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो मैनुअल भी हो सकता है कंप्यूटराइज भी याद है कल जब मैं आपको वो सिस्टम वाला क्वेश्चन वा तो मैंने उसमें बोला था कि आपके मैनुअल या कंप्यूटराइज होना मेंशन नहीं है प्रोसेस ठीक होना चाहिए तो जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो सपोर्ट कर रही हो फिगर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही हैं फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू का नंबर अगर रिपोर्ट कर रही है तो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट है मतलब आपके पास बैक एंड पर ट्रायल बैलेंस होना चाहिए आपके पास बैकएंड पर लेजर होना चाहिए आपके पास बैकएंड पर इनवॉइसेस होनी चाहिए आपके पास बैकएंड पे गुड्स डिस्पैच नोट डिलीवरी नोट्स की कॉपीज होनी चाहिए सेल्स ऑर्डर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर होना चाहिए तो ये सारी बेसिकली अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे होंगे कि अच्छा जी जो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है ठीक है देखिए अगर एक कंपनी के पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो वहां पर तो फिर कोई सिस्टम समझे एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर आपके पास जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस है फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखें ये जो ए टू सी है ना ये जो ए टू सी है ये है बेसिकली आपका पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो रिकॉर्ड्स हैं जो आपके प्रोसीजर्स हैं उससे रिलेटेड अल्टीमेटली ये सारा सिस्टम जितना साउंड होगा उसका इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन पे आएगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन का प्रोसेस कितना रोबस्ट है ये इंपॉर्टेंट चीज है जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं उनकी कैसे उनके लिए क्या मैनेजमेंट का कोई प्रोसीजर है जिसका याद है जब मैं आपको पढ़ाता था ये लिटिगेशन एंड क्लेम्स के प्रोसीजर स्टार्ट किए या डिफरेंट एरियाज में जब हम प्रोसीजर्स कर रहे होते थे तो मैं या जैसे आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स में प्रोसीजर देखे तो पहला प्रोसीजर हम कहते थे भाई तो ये देख लो मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर है फॉर रिकॉर्डिंग दीज या फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो बेसिकली क्योंकि वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी और क्वालिटी को फिर उसके बाद इसके अंदर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो जर्नल एंट्रीज हैं उनके ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, स्पेशली नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्री फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या प्रोसेस की डिप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री है आप मुझे यह बता दें डिप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री एक स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री होगी या नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री है नॉन स्टैंडर्ड होगी सर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री में पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आपके ख्याल में क्या है सर मेथड कर सर के कुछ स्पेस टाइम पे कर रहे होंगे कुछ रिड्यूसिंग बैलेंस पे करते होंगे नहीं जो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है ना उसमें जरा फर्क समझ लें स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज वो हैं जो के रूटीन ट्रांजैक्शंस रूटीन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोसेस की जाती है जबकि नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज जो है ना वो वन ऑफ या यूनिक की रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है अब मैं वापस से अपना क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि जो डिप्रिसन रिकॉर्ड करने के लिए आप जर्नल एंट्री प्रोसेस करेंगे वो स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री है या नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री है स्टैंडर्ड है वो एक स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री है ऑन द अदर हैंड आपको पता लगे कि फर्स्ट टाइम एक कंपनी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने लगी है एक यूनिक नेचर का केस है जिसके ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड करने लगी है तो ये रूटीन नेचर की क्योंकि ट्रांजैक्शंस नहीं है तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए भी जर्नल एंट्री ही पास की जाती है वही डेबिट क्रेडिट्स होती है लेकिन ये क्या ट्रीट की जाएगी जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो उसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए हर बंदा जर्नल एंट्री ना रिकॉर्ड कर सके सिर्फ डेजिग्नेटेड पर्सन होने चाहिए फिर ऐसे ना हो okay, कि वैसे ही चुप करके एंट्री रिकॉर्ड हो गई एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले उसकी कोई बैक एंड पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप डिप्रिसिएशन हजार रुपए की रिकॉर्ड करने लगे तो उसकी बेसिस क्या है उसकी कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए कोई वन पर्सन उसको प्रिपेयर करे कोई सेकंड पर्सन उसको रिव्यू करे एंट्री रिकॉर्ड एक बंदा कर रहे तो दूसरा बंदा उसको चेक करे कि ये एंट्री सही से रिकॉर्ड हुई है डबल एंट्री ठीक है या नहीं अच्छा इधर एक अगर आप फोकस देखें स्टैंडर्ड का तो आयजा कहते हैं कि कंट्रोल्स ओवर जनरल एंट्री स्पेशली

क्योंकि हो सकता है कोई फॉर्मलाइज प्रोसीजर ना एग्जिस्ट कर रहा हो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन अंडरटेक की जा रही है तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं फिर जो मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दी वहां पर जजमेंट्स भी ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो यहाँ ऐसे एरियाज में ऐसे एरियाज में आ, जरूरी है ऐसे एरियाज में जरूरी है कि आपके कंट्रोल्स की रोबस्टनेस और ज्यादा हो बात क्लियर होगी अच्छा जी इसके बाद ऐसा भी हो 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 सकता है कि वो करना ही भूल हूं। मिस हो जाए, journal entry, मिस हो जाए जाए बड़ी अच्छी आपने बात की फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है पहली दफा इंपोर्ट करने लगी है फर्स्ट टाइम इंपोर्ट कर रही है इंपोर्ट के टाइम पे उसने टू परचेज की एंट्री रिकॉर्ड कर ली

स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री तो शायद उस चेकलिस्ट में अवेलेबल ही नहीं होगी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी थोड़ी सी बात समझ में आ रही है या नहीं यस सर, ठीक हो गया। अच्छा जी इसके बाद अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द फोर्थ कंपोनेंट जो कि कंट्रोल ये कंपोनेंट आप लोगों ने बहुत बार बहुत जगहों पर सुने और ये क्या है कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट का बेसिकली मतलब क्या है कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल पर जो स्पेसिफिक कंट्रोल्स एक कंपनी को अप्लाई करनी है और इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हमने सेल्स सिस्टम पढ़ते हुए परचेजेस सिस्टम पढ़ते हुए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिस्टम पढ़ते हुए हमने इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स देखी भी तो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है वो डायरेक्टिव्स मतलब कि जो डायरेक्शन जो हुक्म मैनेजमेंट का है उस पर अमल दरामद हो रहा हो उसके लिए जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो बेसिकली क्या है

किस पिछले वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर वन में जब हम चैप्टर वन कवर कर रहे थे ना तो वहां पर भी हमने ये कंट्रोल इन सारे ये जो वर्ड्स इधर एक्टिविटी कंट्रोल एक्टिविटीज लिखी हुई हैं ये सारी की सारी कंट्रोल एक्टिविटीज चैप्टर वन में डिफाइंड भी हैं ये चैप्टर वन से आप रेकनसाइल कर सकते हैं ये उधर डिफाइंड भी हैं जी सर सर ये काम ऑडिटेड सारा कर रहा है अभी ना 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 ना, ना, ना तोबा करें तोबा करें तौबा माफी से हाँ माफी मांगे ये सारा कुछ बेसिकली किसने करना है कंट्रोल्स तो बनाना और ये कंट्रोल्स का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट मैंने। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स होते क्या है इसकी वो जो रेलिवेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर है अभी तक वो मैंने आपसे छुपाई है वो नहीं अभी मैंने आपको बताई ये बात समझ में आ रही है जब मैंने आपको कल इसका एक मैप क्रिएट किया था तो मैंने कहा मैं पहले आपको बताऊंगा कंट्रोल्स क्या होती है फिर मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके बाद ये राज अफशां करूंगा कि इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल्स की क्या रेलेवेंस है नहीं समझ आ रही तो अभी हम दूसरे पार्ट पे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं और उसके अंदर हम कंट्रोल एक्टिविटीज देख रहे हैं ऑथराइजेशन परफॉर्मेंस रिव्यूज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फिजिकल कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एक्सेप्शन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप्स मैं सारे ये कंट्रोल एक्टिविटीज जल्दी से एक दफा ब्रीफली uh, एक्सप्लेन कर देता हूं लेकिन अगर आपको ये कोई पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ भी लीजिएगा वैसे चैप्टर वन में इनकी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं ऑथोराइजेशन का कंट्रोल हमने बेतहाशा जगहों पर देखा चाहे वो सेल्स सिस्टम की बात हो हमने कहा डिस्काउंट्स ऑथोराइज होने चाहिए क्रेडिट लिमिट्स ऑथोराइज होनी चाहिए परचेज सिस्टम की बात की हमने कहा हाई वैल्यू परचेजेस की ऑथोराइजेशन होनी चाहिए जब परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं

ट्रांजेक्शन को चेक करे कि ट्रांजेक्शन अप्रोप्रिएट है और अपने दस्तखत के थ्रू इस चीज को एविडेंस करे कि हाँ वो अप्रूव कर रहे है कर ली हमने अगर आपको याद हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर हम कंपैरिजन करते थे बेसिकली के ईयर के नंबर्स को प्रायर पीरियड के नंबर से कंपेयर कर लेंगे और सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन डिफरेंसेस इन्वेस्टिगेट कर लेंगे बिल्कुल ऐसा ही काम ये तो आपने ऑडिट में पढ़ा है ना इससे पहले आप एक सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर आपने पढ़ा था वेरिएंस एनालिसिस ठीक है वेरिएंस एनालिसिस का एक और नाम है बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है कि आप अपने मैनेजमेंट जब यही काम मैनेजमेंट करती है ना कि अपने करंट ईयर के नंबर्स को प्रायर पीरियड के नंबर से कंपेयर करती है अपने करंट ईयर के नंबर्स को बजट से कंपेयर करती है अपने करंट ईयर के नंबर्स को इंडस्ट्री से कंपेयर करती है या अपने करंट ईयर के नंबर्स को डिफरेंट विद इन विदिन कंपनी कंपेरिजन करती है मसलन डिफरेंट फैक्ट्रीज का कंपेरिजन तो ये बेसिकली क्या है परफॉर्मेंस रिव्यू कर कौन रहा है मैनेजमेंट ये एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस के एनालिटिकल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटी है खामोशी हाँ, नीम रजामंदी होती है मेरे ख्याल में मेरे पास नेगेटिव कंफर्मेशन है सो आई कैन एज्यूम के सबको क्लियर है सर एक I mean, कंपनी करियो तो एक ऑडिटर कर लेते हैं एग्जैक्टली exactly. फॉर्मेंस रिव्यू कंपनी मैनेजमेंट खुद कर रही होती है एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर कर रहा होता है दोनों का परपज भी फर्क है दोनों का भी फर्क है जब मैनेजमेंट कर रही है वेरिएंस एनालिसिस या रिव्यू तो उसके थ्रू मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर रही है कि बिजनेस में कहां कहां प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से एड्रेस करने यही काम जब ऑडिटर कर रहे हैं तो उसके थ्रू वो या तो रिस्क असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या प्लानिंग फेज में या अगर वो एग्जीक्यूशन फेज में है तो वो एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके मिटेल में स्टेटमेंट डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या वो अगर फाइनलाइजेशन फेज में यह प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो उसकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट दी एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे कंसिस्टेंट है या नहीं तो दो डिफरेंट लोग ये काम कर रही है परपज दोनों का फर्क है परपज दोनों का फर्क है अच्छा जी उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स आ जाते हैं मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि जो अभी हमने बात की थी ना कि इस चैप्टर में इंटरनल कंट्रोल्स में स्पेसिफिकली हम आईटी कंट्रोल्स की बात करेंगे तो वो बेसिकली यहाँ पर अभी कवर होंगे वो बेसिकली यहाँ पर अभी कवर आगे जाके कवर होंगे तो अभी इसको छोड़ दे फिजिकल कंट्रोल्स फिजिकल कंट्रोल्स की कोई एग्जाम्पल मुझे बता सकते हैं तो जैसे फाइल्स को लॉकर में, में रखना कैश आ, या कोई वैल्यूएबल आइटम है या फॉर एग्जांपल तो उसको लॉकर में रखना फिजिकल कंट्रोल सिक्योरिटी गार्ड बिठाना फिजिकल कंट्रोल तो बेसिकली ये फिजिकल कंट्रोल है जो कि एक्सेस लोगों की रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपके पास आते ड्यूटीज Of of duties, मेरे ख्याल में आपको अच्छे से आइडिया है हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े उसमें हमने देखा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है uh, इसके बाद आ जाती है हमने बैंक रेकेंशन भी पढ़ी हमने सप्लायर स्टेटमेंट रेकेंशन कस्टमर स्टेटमेंट रेकेंशन भी पढ़ी और मैंने रेकेंसिलेशन को के वर्ड को समझाने के लिए क्योंकि बड़ा हैवी वर्ड था तो मैंने उसको समझाने के लिए कहा कि भाई दो डॉक्यूमेंट्स को दो uh, कंपेरेबल डॉक्यूमेंट्स को आपस में मैच करना और देखना कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है और डिफरेंस के रीजन क्या है जैसे आप बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को कंपनी की आपस में दोनों के बैलेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस का रीजन क्या है और लास्टली आपके पास आ जाती है एक्सेप्शन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप एक्सेप्शन रिपोर्ट मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक्सेप्शनल आइटम कंपनी डिफाइन कर दे फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिसीवेबल्स नब्बे दिन से ज्यादा पुरानी है वो बेसिकली आपकी एक्सेप्शन रिपोर्ट पे आएंगे जितने भी रिसीवेबल जितने भी रिसीवेबल नब्बे दिन से ज्यादा पुरानी है वो एक्सेप्शन रिपोर्ट पे आएंगे या फॉर इंस्टेंस जितने भी अनफुलफिल्ड जैसे वो याद है हमने पढ़ा था कि अनफुलफिल्ड सेल्स ऑर्डर या ओपन सेल्स ऑर्डर की फाइल देखना क्योंकि वो सारे एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जो सेल्स ऑर्डर्स अभी तक फुलफिल नहीं हुए और फिर उसके बाद उनका फॉलो फॉर एग्जांपल जो ओवरड्यू कस्टमर्स हैं उनको रिमाइंडर लेटर्स भेजना उनको लीगल नोटिस भेजना अगर वो इज्जत से पैसे नहीं दे रही है अच्छा जी जो लास्ट कंपोनेंट है जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कि ये हमने जितने चार एलिमेंट्स पढ़े ना कंट्रोल एनवायरमेंट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो आपका क्या कहते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज इन सारों की इन सा, तमाम एलिमेंट्स की मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है इन तमाम एलिमेंट्स की मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े जरूरी हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शंस क्या ये जो कंपोनेंट्स हैं प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं तो मॉनिटरिंग बेसिकली क्या है तमाम एलिमेंट्स के ऊपर क्या चीजें इंक्लूडेड है नंबर वन पहला मॉनिटर तो आपको अच्छे से याद होगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन जब भी इंटरनल ऑडिटर की बात आती थी तो मैंने हमेशा इसका नाम ही क्या रखा हुआ था मॉनिटर जैसे मॉनिटर होते हैं तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक्चुअली मॉनिटर है कंपनी के अंदर जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस परफॉर्म करता है कि क्या कंट्रोल्स अच्छे से ऑपरेट हो रही हैं या नहीं अगर आपको चैप्टर नंबर टेन याद हो तो उसमें हमने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का जब आयजा कवर करने लगे थे तो उससे पहले एक बड़ा डिटेल्ड डिस्कशन की थी कि इंटरनल ऑडिटर का रोल स्कोप क्या होता है उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ रेकिलियन टाइमली बेसिस ये जो जो रिव्यू है चेकिंग है कि क्या बैंक बी आर एस बन रही है सप्लाई स्टेटमेंट बन गया इंटरनल कंट्रोल फिर लीगल डिपार्टमेंट की रिलेटेड पॉलिसीज बनाई हुई हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल हम चाइल्ड लेबर नहीं यूज करेंगे तो लीगल डिपार्टमेंट एक चेक परफॉर्म कर सकते हैं कि क्या इस पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है यानी क्योंकि कुछ कंट्रीज में चाइल्ड लेबर बैंड है तो बेसिकली वो एक इंटरनल चेक मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स बेसिकली एक इंटरनल चेक है जो कि आपको मिल जाता है और उसके अलावा मॉनिटरिंग में एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व है मॉनिटरिंग में एक्सटर्नल परस्पेक्टिव भी इन्वॉल्व है कि जो आपको कम्युनिकेशन आई कस्टमर्स की तरफ से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी आ, कि जिसमें मुझे नया टेल की तरफ से जो बिल आया उसमें मिस्टेक मुझे लग रही थी फिर मैंने उनके साथ कोरोस्पॉन्ड किया अब जो मेरी कंप्लेंट उनके पास गई बेसिकली वहां से वो चेक कर सकते हैं कि यार हमारी रेवेन्यू कैलकुलेशन में मसले हैं बिलिंग डाटा में मसले हैं तो वहां से भी आपको अपने कंट्रोल्स का पता लग जाता है फिर उसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेटर्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट रेगुलेटर्स जो हैं वो आपके uh, yes, अगेंस्ट एक्शन ले रही हैं तो आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि रेगुलेटरी uh, बॉडी की तरफ से जो करस्पॉन्डेंस आपको रिसीव हुई उसमें वो कह रहे हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल पोल्यूशन की है या फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो यू फोन को नोटिस भेज दे कि भाई आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस अप्रोप्रिएट नहीं है जिसकी वजह से आपके लाइसेंस के ऊपर है तो ये बेसिकली भी आइडिया आपको उस कम्युनिकेशन को पढ़ के भी मैनेजमेंट को पता लग सकता है कि अच्छा हमारी क्वालिटी कंट्रोल्स जो है वो शायद अच्छे अप टू दि मार्क नहीं है या एक्सटर्नल ऑडिटर्स जैसे आपने कल जो परचेजेस का सिस्टम रिव्यू किया था तो उसमें आप

कंपोनेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल्स के और इन पांच कंपोनेंट्स में अगर मैं देखू ना तो जो मैक्रो लेवल आपके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो मैक्रो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कंट्रोल एनवायरमेंट जैसे एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जैसे मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स मैक्रो लेवल इन द सेंस कि ये मल्टीपल कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर रही हैं जबकि कुछ आपके स्पेसिफिक एरियाज को इंपैक्ट करें जैसे कि कंट्रोल एक्टिविटीज या इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है जी सो so, ये बेसिकली so, तो इसमें याद पॉइंट्स uh, भी करने पड़ेंगे